हेलो फ्रेंड्स, पिछली बार हम लोगों ने कुछ थियरीज देखी थी। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर थियरी देखी थी, पोटेंशियल का इक्वेशन डिराइव किया था। इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। इस बार हम मैंने याद है आप लोगों को बोला था कि E इज इक्वल टू V बाई डी, इज इक्वल टू V बाई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो उसका रिलेशन हमको डिराइव करना है। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे देखो, आप लोगों को दो इक्विपोटेंशियल सरफेस दी गई है। सी इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल वी के बीच का जो रिलेशन मुझे डिराइव करना है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो, आपको दो इक्विपोटेंशियल सरफेस दी गई है। ये एक सरफेस ए है और ये दूसरी सरफेस उसके ऊपर बी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सरफेस ए है और उसके ऊपर दूसरी सरफेस बी है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब ये हुआ कि ए सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम। फिर आप ऐसे ऊपर गए, यहां पे बी सरफेस आई, वहां पे भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम। लेकिन ए सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल बी सरफेस पे हो, ऐसा जरूरी एक्चुअली होता ही नहीं है। ए सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो वी है। तो बी सरफेस पे पोटेंशियल सपोज हम एज्यूम करते हैं कि वी प्लस डेल्टा वी है, मतलब कुछ ज्यादा है। तो यहां पे ए सरफेस पे पोटेंशियल वी ए इज इक्वल टू वी और बी सरफेस पे पोटेंशियल वी बी इज इक्वल टू वी प्लस डेल्टा वी मैंने एज्यूम किया। As shown in figure, consider two closely spaced, दोनों को पास पास में रखा हुआ है, closely spaced equipotential surfaces A and B. A and B को पास पास में रखा है equipotential surface with potentials. A के ऊपर potential कितना है V और B के ऊपर potential कितना है V plus delta V. A के ऊपर potential V है और B के ऊपर potential है V plus delta V. ओके, ए पे ऊपर पोटेंशियल वी और बी के ऊपर वी प्लस डेल्टा वी। दो सरफेस है, दो सरफेस इक्विपोटेंशियल है। याद रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सरफेस का पोटेंशियल सेम है। नो, ए सरफेस जो है वो ए सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स है उसका पोटेंशियल वी है और जो बी सरफेस है उसपे जितने पॉइंट्स है उसका पोटेंशियल वी प्लस डेल्टा वी है। ओके, तो ए सरफेस पे पोटेंशियल वी और बी सरफेस पे पोटेंशियल क्या हुआ, वी प्लस डेल्टा वी। तो एज शोन इन फिगर, टू क्लोजली स्पेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ए एंड बी विथ पोटेंशियल्स वी एंड वी प्लस डेल्टा वी, वेयर डेल्टा वी इज द चेंज इन वी, डेल्टा वी इज द चेंज इन वी इन द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की डिरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सरफेस क्या है, ए। ये सरफेस क्या है, बी। ए सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, वी, और बी सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, वी प्लस डेल्टा वी। ओके फाइन, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द सरफेस बी। मैंने बी सरफेस पे एक पॉइंट क्या कंसिडर किया, पी, जो यहां पे ए सरफेस से कितनी दूरी पे है, डेल्टा एल दूरी पे है। मैंने पी सरफेस पे एक पॉइंट कंसीडर किया, मैंने बी सरफेस पे एक पॉइंट कंसीडर किया पी, जो ओरिजिन मतलब ए सरफेस से कितनी दूरी पे है, डेल्टा एल की दूरी पे है। ओके, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द सरफेस बी, डेल्टा एल इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सरफेस ए फ्रॉम पी। हाँ, ए सरफेस से पी पॉइंट का मतलब ये ए है, ये बी है, मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी बी सरफेस पे मैंने कोई एक पॉइंट पी कंसिडर किया जिसका ए से डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एल। ओके फाइन, मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, डेल्टा एल हुआ। अल्टीमेटली तो यही हुआ ना, क्योंकि पी पॉइंट कहाँ पे है, बी पे। पी पॉइंट कहाँ पे है, बी सरफेस पे। ओके, और ए से उसका डिस्टेंस कितना बोला, डेल्टा एल, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी क्या हुआ, डेल्टा एल। ओके फाइन, तो डेल्टा एल इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सरफेस ए फ्रॉम पी। सपोज दैट
यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव अलोंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस बी टू ए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मतलब क्यू इज इक्वल टू प्लस वन कूलम, इसको क्या बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको मैं बी सरफेस से ए सरफेस तक ला रहा हूं। मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी सरफेस से ए सरफेस तक ला रहा हूं। अगर मैं चार्ज को ऐसे नीचे ला रहा हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, ऊपर है, तो आई एम डिस्प्लेसिंग दिस चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय डेल्टा एल। मैंने डेल्टा एल जितना डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन कौन सी डिरेक्शन में, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो डेल्टा, सपोज दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड अलोंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस बी टू ए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क क्या होगा। रियलिटी में देखने जाए तो वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पे वर्क क्या होगा, ध्यान से देखो। सी, थोड़ा सा मैं इसको अच्छी तरीके से लिखता हूं, ध्यान से देखना। वर्क क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ओके फाइन, अब डेल्टा डब्ल्यू, फोर्स क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर। फोर्स क्या होगा, के क्यू वन, या तो फोर्स इज इक्वल टू क्या ले लो, क्यू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डेल्टा एल। बट यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, क्यू इज इक्वल टू क्या है, प्लस वन कूलम है। क्या है, क्यू इज इक्वल टू प्लस वन कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, ई डेल्टा एल। या तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, ई डेल्टा एल। बट यू नो वेरी वेल, वर्क इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको पता है। तो आप वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी ले सकते हो। बट वर्क इज इक्वल टू क्यू क्या है, वन कूलम है, तो यहाँ पे वन, और डेल्टा वी को मैं क्या लिखू, वी ए माइनस वी बी लिख सकता हूं डेल्टा, क्योंकि पहले आया कहां से, वी बी से, और गया कहां पे, वी ए पर। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो डब्ल्यू इज इक्वल वी ए कितना है, वी माइनस वी बी कितना है, वी प्लस डेल्टा वी। लेकिन डब्ल्यू मेरे पास क्या है, ई डी एल, तो ई डी डेल्टा एल इज इक्वल टू वी माइनस वी माइनस डेल्टा वी, वी ने वी को मारा, तो ई इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, क्या हुआ, माइनस डेल्टा वी, तो ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। तो मुझे इक्वेशन मिला ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। फिर से वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को मैं क्यू इंटू ई लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एल हुआ। लेकिन चार्ज यहाँ पे कौन सा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है, तो Q क्या होगा, प्लस वन कूलम होगा। क्या होगा, Q प्लस वन कूलम। अगर Q प्लस वन कूलम है, तो बाकी क्या बचा, E डेल्टा L बचा, तो मुझे वर्क मिला। अब वर्क इज इक्वल टू क्या है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज Q का वन कूलम, डेल्टा V का VA माइनस VB, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो V हुआ, VB क्या हुआ, V प्लस डेल्टा V, VB का टू है, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा L। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिला, वो क्या कहता है, नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इफ डेल्टा वी एंड डेल्टा एल इज वेरी वेरी स्मॉल देन ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एल और वी कैन से दिस ई इज इक्वल टू वी बाई डी ई इज इक्वल टू वी बाई डी। अच्छा अब यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट करके एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब यही डेल्टा वी बाई डेल्टा एल उसका यूनिट क्या आएगा वोल्ट पर मीटर, क्या आएगा उसका यूनिट वोल्ट पर मीटर, क्या आएगा उसका यूनिट वोल्ट पर मीटर, ये क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट क्या आएगा वोल्ट पर मीटर आएगा। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको खुद से करना है, वोल्ट का ढूंढो, वोल्ट का क्या आएगा डब्ल्यू बाई क्यू आएगा और डीएल का तो आपको बताइए। ओके तो इस पूरी थियरी के ऊपर से क्या कंक्लूजन मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डिरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डिरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वापिस यही इक्वेशन यही स्टेटमेंट वापिस यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर है। तो ये छोटी सी थियरी है, इसके ऊपर से न्यूमेरिकल भी है, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स का यूज करके न्यूमेरिकल भी है, लेकिन ये सिंपल थियरी है कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आप एक दो स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, चलेगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। आपको सिंपल ये मैथमेटिक्स पता होना चाहिए, ये आपने अजम्पशन क्या किया वो पता होना चाहिए, बस E इज इक्वल माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एल ला लो, डेल्टा वी बाई डेल्टा एल को क्या बोलना है पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलना है, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो, उसके बाद डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज वन टाइप ऑफ इंसुलेटर, वन टाइप ऑफ इंसुलेटर, लेकिन ये ऐसे इंसुलेटर है, ऐसे इंसुलेटर मतलब क्या जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता नहीं है, लेकिन जब हम ये इंसुलेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अगर हम इंसुलेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके पॉजिटिव चार्ज एक साइड चले जाएंगे, उसके नेगेटिव चार्ज एक साइड चले जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा, दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। इसके बाद में वो थियरी लूंगा, लेकिन पहले यहाँ पे देखो डाइलेक्ट्रिक कितने प्रकार के होते हैं, टू प्रकार के। डाइलेक्ट्रिक कितने प्रकार के होते हैं, टू प्रकार, एक कौन सा होता है पोलर डायलैक्ट्रिक और एक कौन सा होता है नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर मतलब क्या, पोलर मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज बोथ आर सेपरेटेड। पोलर मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज बोथ आर सेपरेटेड, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर नॉट कोइंसाइड। मतलब कि पॉजिटिव अलग है नेगेटिव अलग है, उसको क्या बोलते हैं हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन है, या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर नॉट कोइंसाइड, दे आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूल। जैसे कि HCl में H प्लस यहाँ पे होता है, Cl माइनस यहाँ पे होता है, बराबर। HCl में क्या होता है H प्लस, Cl माइनस, H2 में H प्लस O माइनस 2, तो दिस आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इसका ऑपोजिट, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर Coincide with each other, they are known as non-polar molecule. Non-polar molecule के अंदर क्या होता है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहां पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ये लोग सेपरेटेड होते नहीं है, दिस इज नोन एज नॉन पोलर मोलिक्यूल। तो बोलो ऐसा पूछा जाए दो मार्क के अंदर कि डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन कीजिए, या तो डाइलेक्ट्रिक के दो टाइप बताए, तो डाइलेक्ट्रिक के दो टाइप कौन कौन से है, एक पोलर मोलिक्यूल्स एंड एक नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो है सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड, नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल H2O, HCl, दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर कोइंसाइड, दीज आर नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यू कैन कन्वर्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इनटू पोलर मॉलिक्यूल्स,
यू कैन कन्वर्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इनटू पोलर मॉलिक्यूल्स. यू कैन कन्वर्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इनटू पोलर मॉलिक्यूल्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन. दिस फिनोमिना इज नोन एज टू कन्वर्टिंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल इनटू पोलर मॉलिक्यूल. मतलब कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे ही नेगेटिव चार्ज होगा, उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे. और अगर मैंने ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है. अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा, तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की ओर जाएगा, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की ओर जाएगा. मतलब कि ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर सेपरेटेड एंड दिस इज नोन एज पोलराइजेशन. नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया जो है उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन. इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड इन ऑपोजिट डिरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसा बताऊं आपको, मैं यहां पे देखो सर, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बराबर. अब जब मैं यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल रखता हूँ बैटरी का और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल रखता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई पॉजिटिव टू नेगेटिव. जब ऐसा होगा तब ये जो मॉलिक्यूल है इसका नेगेटिव इस साइड शिफ्ट होगा, पॉजिटिव इस साइड शिफ्ट होगा. पहले क्या था यहाँ ही पॉजिटिव था, यहाँ ही नेगेटिव था. हाँ, लेकिन जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया तो पॉजिटिव कहाँ पे गया, नेगेटिव साइड पे, और नेगेटिव कहां पे गया, पॉजिटिव साइड. तो यही यहां पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस. बोलो, नेगेटिव यहां पे डिस्प्लेस हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव के साइड डिस्प्लेस हुआ, इन ऑपोजिट डिरेक्शन. ऑपोजिट डिरेक्शन मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डिरेक्शन में गए, या तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डिरेक्शन में गए. हाँ, अब ये बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, ये क्या है, ये एक्सटर्नल, और अंदर इन लोगों ने खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर खुद की बनाई. ये डिस्प्लेसमेंट कब तक चलता रहेगा, कब तक ये खींचे जाएंगे, जब तक बाहर का फोर्स और इंटरनल फोर्स इक्वल नहीं होता है. मतलब बाहर का फोर्स इंटरनल फोर्स से बैलेंस नहीं होता है तब तक ये दोनों ऐसे डिस्प्लेस होते जाएंगे. जैसे ही इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, स्टेडी, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग. और जब ऐसी स्टेडी सिचुएशन आती है, पॉजिटिव अलग रहता है और नेगेटिव अलग रहता है, दैट इज नोन एज पोलर मॉलिक्यूल एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन. इसके ऊपर बहुत सारी बातें करनी है. ओके, तो ये मैंने पहले क्या करवाया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल वी के बीच का रिलेशन डिराइव किया. ये नॉर्मल थ्योरी 2 मार्क की. ओके, आपको अलग अलग ये 2-2 मार्क में पूछा जाएगा. डायलेक्ट्रिक का डेफिनेशन दीजिए और डायलेक्ट्रिक के 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक पोलर एंड नॉन पोलर, उनके बारे में समझाइए और पोलराइजेशन क्या है वो समझाइए. ओके, थैंक यू वेरी मच. सब लोगों को मेरी तहे दिल से नम्र विनंती है, जितनी भी थियरी करवा रहा हूँ वो सब थियरी लिखते रहो, उसको लर्न करते रहो. अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो थियरी लर्न नहीं कर रहे, ये सब थियरी आपको लर्न करनी पड़ेगी और इसका टेस्ट भी देना पड़ेगा. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड, अच्छी तरह से इसको देखो, अच्छी तरह से इसको लर्न करो. थैंक यू वेरी मच.